Hello guys, I'm Saloni. Welcome back to my channel Saloni Swag. In today's video, I'm going to show you how to use Swiss Beauty Emulator makeup base. So guys, let's start the video. सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप स्विस ब्यूटी इम्यूलेटर मेकअप बेस को विदाउट फाउंडेशन, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम के यूज नहीं कर सकते हो। इसको आप अपने फाउंडेशन, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम के साथ मिलाकर ही आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। आप जो भी आप अपने रेगुलर यूज में मॉइस्चराइजर यूज करते हो, अप्लाई करते हो अपने फेस पे, सबसे पहले आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लो। तो जैसा कि मैं निविया मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ये निविया मॉइस्चराइजर क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। सो गाइज एज यू कैन सी, मैंने मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। ये मेरे फेस पे अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है। सो अब 2 मिनट का वेट करके इसके बाद मैं अपने फेस पे प्लस फाउंडेशन स्विस ब्यूटी इम्यूलेटर मेकअप बेस को अप्लाई करूंगी। सो गाइज मेरे 2 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं अपने फेस पे इस इम्यूलेटर को अप्लाई करूंगी प्लस फाउंडेशन। तो जैसा कि मैंने ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है, इसके साथ मैं ये स्विस ब्यूटी का इम्यूलेटर अप्लाई करूंगी। इन दोनों को मिक्स करके, सिंगल सिंगल आपको इसको अप्लाई नहीं करना है, इन दोनों को मिक्स करके आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अपने हाथों पे लूंगी और इसमें मैं ऐड करूंगी ये इम्यूलेटर। आपको इसका 2 से 3 ड्रॉप इसको अपने फाउंडेशन में मिक्स करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद आपको अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है। डॉट डॉट करके भी आप अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसको अपने मेकअप ब्लेंडर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं पहले डॉट डॉट करके अप्लाई करती हूँ, आफ्टर दैट मैं मेकअप ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूंगी। सो गाइज जैसा कि आपने देखा, मैंने इसको कितनी अच्छी से ब्लेंडर के हेल्प से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लिया और कितनी अच्छी तरह से अपने फेस पे इसको ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हो। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो, इसको अप्लाई करने के बाद मेरा फेस कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कितना ज्यादा शाइन कर रहा है। तो इसके बाद अगर आप फेस पाउडर को अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसके ऊपर फेस पाउडर अप्लाई करना है या नहीं करना है। और रही बात हाइलाइटर की, तो आप देख सकते हो इसको अप्लाई करने के बाद मेरा फेस जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो आप इस केस में हाइलाइटर को भी अवॉइड कर सकते हो। ये ऑल इन वन फेस मेकअप क्रीम है। सो आप इसको अप्लाई करने के बाद किसी भी तरह का दूसरा अदर मेकअप प्रोडक्ट्स अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप इसको जरूर से जरूर परचेस करें और अपने फेस पे इसको अप्लाई करें। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो हाउ वॉज माई वीडियो, टेल मी इन द कमेंट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल for more such beauty videos from me, and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. See you in my next video. Till then, bye bye, take care, have a good day.